2B ये ओरिजिनल 18000 चली हुई है, फर्स्ट ऑनर गाड़ी है। हां गाड़ी का एक्सट्रीम 200 न्यू वाला, एक्सट्रीम 200 न्यू वाला जो न्यू से आया ना, 6000 ओरिजिनल चली हुई है। यार 4B फर्स्ट ऑनर RPF का गाड़ी है, पुलिस का गाड़ी है, ज्यादा चली भी नहीं है। 150 नया वाला मॉडल, नया वाला मॉडल 2020 का। हां इसका भी मीटर दिखा सकते हैं, लगभग 19000 के लगभग चली हुई है। आस्किंग प्राइस है 2018 चैनल तो कैसे आप सभी का सारे बढ़िया। सो फ्रेंड्स आज मैं फिर से आ गया हूँ आसनसोल औसा ग्राम बाइक पॉइंट पे बिट्टू भैया के पास, ठीक है। तो सारा सब कुछ मैं बिट्टू भैया से पूछ लूंगा, डिटेल्स क्या रहने वाला है और सारा सब बिट्टू भैया को बता दें। तो बिट्टू भैया है ही पूछते बिट्टू भैया का हाल चाल और बिट्टू के दिल में आपको दिखाता हूँ, फाइनेंस वाइनेंस कहाँ तक हो जाएगा सारा सब कुछ मैं आप लोगों को क्लियर करके बता दूंगा, ठीक है। बिट्टू भैया कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। तो सबसे पहले बता दीजिए, अगर नया नया सब्सक्राइबर तो रोज आ ही रहे हैं, बहुत दिन पहले मैं वीडियो बनाए थे, तो आएंगे तो कैसे आएंगे? आएंगे जैसे हम लोग आसनसोल औसा ग्राम, औसा ग्राम के पास हीरो शोरूम है, हीरो शोरूम के अपोजिट में पेट्रोल पंप के बगल में गली है, गली से अंदर, गली से अंदर आ रहा, ठीक है। और कुछ भी दिक्कत होगा तो आपको कॉल करेंगे, नंबर डिस्प्ले में है, आपका नंबर डिस्प्ले में चल ही रहा। और फाइनेंस कहाँ तक हो जाएगा? फाइनेंस अपना रानीगंज टू बारा, रानीगंज से लेकर बराका तक फाइनेंस हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग फटाफट दिल दिखाना शुरू करते हैं। तो भैया सबसे पहले हम लोग शुरू कहाँ से करें? इग्निटर से। इग्निटर 2017 की बाइक, हाँ फुल फ्रेश फर्स्ट ओनर BS4 गाड़ी, हाँ आस्किंग प्राइस है 35000। तो 35000 125 सीसी की गाड़ी है, 125 सीसी की गाड़ी है। तो इसमें थोड़ा सा कुछ नेगोशिएट हो जाएगा, आपका सब्सक्राइबर आएंगे तो जरूर नेगोशिएट हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा होंडा यूनिकॉर्न, हाँ जो बहुत ही चाहिदा गाड़ी है, सिंगल सॉकर गाड़ी 2013 मॉडल, आस्किंग प्राइस 30000। इसके बाद फिर से आता है एक्सट्रीम 200 न्यू वाला, एक्सट्रीम 200 न्यू वाला न्यू से आया ना, 6000 ओरिजिनल चली गई है। मीटर दिखा सकते हैं आप, 6000 चली हुई है। डुअल डिस्क ब्रेक ABS, आस्किंग प्राइस 60000, न्यू का प्राइस 1.5 लाख, न्यू का प्राइस 1.5 लाख है। आप 60000 में दे रहे हैं, मतलब आधा से भी कम, आधा से भी कम में दे रहे हैं, ठीक है। पल्सर 150 नहीं, इसका टायर कंडीशन मेरे को बहुत अच्छा लगा, 6000 ओरिजिनल चला हुआ टायर कंडीशन में देख ही सकते हो, ब्रांड न्यू टायर के साथ गाड़ी रहेगी, ठीक है। अब यूट्यूब जैसे बोले थोड़ा बहुत कुछ नेगोशिएट भी हो जाएगा। इसके बाद फिर से आता पल्सर 150 2014 एडिशन, डुअल टोन कलर ब्लू एंड ब्लैक, फर्स्ट ओनर गाड़ी, आस्किंग प्राइस 30000 में आ जाएगी। इसके बाद फिर से आता हॉर्नेट, हॉर्नेट 160 2018 मॉडल, हॉर्नेट 160 2018 मॉडल, 18 मॉडल, फर्स्ट ओनर गाड़ी ये भी है, आस्किंग प्राइस 45000, आस्किंग प्राइस 45000 में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर से आता ये वाला, ये तो बिल्कुल न्यू ही लग रहा है, 2017 की गाड़ी है, फर्स्ट ओनर ये भी गाड़ी है, इसका आस्किंग प्राइस है 35000। इसके बाद फिर जाते हैं होंडा साइन, साइन 2019 5 साल इंश्योरेंस ब्लू कलर, फुल फ्रेश फर्स्ट ओनर गाड़ी, इसका आस्किंग प्राइस है 55000 में आ जाएगी। 110 सीसी की वीवो ये वाला है ना, 110 सीसी का, 110 सीसी का, 110 सीसी की 2018 मॉडल, फर्स्ट ओनर गाड़ी, जो एवरेज के लिए माइलेज पर्पस के लिए होंडा का गाड़ी है, आस्किंग प्राइस है 45000। इसके बाद फिर हम लोग नियोन दिखा दे क्या? नियोन नहीं, नियोन का पल्सर 150 नियोन है ना, इसका क्या है? नियोन नहीं है, नियोन में कान नहीं है, कान वाला ये कान वाला है ना, ये नियोन नहीं है, 150 है, 150 है, हां 2020 मॉडल। अच्छा इसका क्या है? इसके मॉडल है 18000 चली हुई है, फर्स्ट ओनर, 2020 का मॉडल है, 18000 चला हुआ फर्स्ट ओनर, फर्स्ट ओनर, आस्किंग प्राइस 56000 में आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हो फर्स्ट ओनर। मीटर भी दिखा, मीटर हम लोग दिखा देते के बाद जेन्युइन, जो भी है जेन्युइन चला हुआ है ना। इसके बाद 2017 पैशन प्रो, हाँ BS4 गाड़ी, फर्स्ट ओनर, डुअल टोन कलर, ब्लैक एंड रेड स्टिकर, हाँ आस्किंग प्राइस 45000। इसके बाद फिर से 2011 का पैशन प्रो, हाँ फर्स्ट ओनर, ब्लू ब्लैक, डुअल टोन कलर, हाँ आस्किंग प्राइस 32000 में आ जाएगा। इसके ये अपना माइलेज पर्पस के लिए था, 110 सीसी का CD110, हाँ होंडा का, जो एकदम एवरेज के लिए ज्यादा, जिसका एवरेज 60-65 आता है, हाँ इसका आस्किंग प्राइस है 45000, 2019 की गाड़ी, 5 साल इंश्योरेंस 45000 में आ जाएगी। इसके बाद फिर से आता है ये 2013 का CD7, हाँ फर्स्ट ओनर, फुल फ्रेश गाड़ी, हाँ सब पेपर अप टू डेट, आस्किंग प्राइस 36000 में आ रही है, ठीक है। इसके बाद फिर से ये कौन, 2019 का SP7, हाँ जो कि बहुत डिमांडेड है, बहुत डिमांड है, BS4 गाड़ी, BS4 का ज्यादा डिमांड है, 36000 किलोमीटर चली हुई है, 36000 किलोमीटर चली हुई है, 5 साल इंश्योरेंस है, आस्किंग प्राइस 53000।
53,000 में आ रही है, 36,000 किलोमीटर चला हुआ, ठीक है, बहुत ही डिमांडिंग बाइक है। ऊपर भाई VS4 है, आप लोग समझ सकते हो VS4 में जितना तेल डालो उतना का गाड़ी चलेगा, इसके लिए बहुत डिमांडिंग रहती है वाला गाड़ी, ठीक है। तो बेटी भाई इसके बाद क्या है ये माइलेज गाड़ी? हीरो होंडा सिटी 100 SS, बहुत ही पुराना मॉडल गाड़ी, इसी को बोलते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, यही है गाड़ी ओल्ड इज गोल्ड। माइलेज पर्पस चलाने में बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी, सब पेपर अपडेट करके, अभी भी सब पेपर अपडेट है, अपडेट करके हम लोग देंगे 18,000। कितने साल की गाड़ी है ये? गाड़ी 2003 की है, 2003 गाड़ी है, अभी भी जिंदा है गाड़ी, जिंदा है, चल रही है, 60-65 एवरेज दे रही है, जिसको ओल्ड इज गोल्ड बोलते हो यही गाड़ी है, जिंदा भी है, चल भी रहा है, 60% माइलेज भी दे रहा है, ठीक है। और कितना बोले? 18,000 में आ रही है भाई लोग, आप देख सकते हो बिल्कुल फ्रेश गाड़ी है, फ्रेश नहीं है लेकिन जो भी है साल के साथ देखा जाए तो बहुत कम दाम में आ रही है। इसके बाद फिर से आते हैं माइलेज गाड़ी पे, 2008 की पैशन प्लस, फर्स्ट ओनर गाड़ी, 2008 की अलॉय व्हील मॉडल, आस्किंग प्राइस 22,000 में आ जाएगी। इसके बाद सुपर स्प्लेंडर BS3 गाड़ी, जो कि बहुत ही डिमांडेड गाड़ी है, ब्लू कलर, जल्दी ये मिलती नहीं है, ये गाड़ी 10,000 ओरिजिनल चली हुई है, जल्दी मिलता नहीं है, और 10,000 ओरिजिनल किलोमीटर 10,000 चला हुआ है ना, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, आस्किंग प्राइस है 44,000। टायर कंडीशन भी काफी अच्छा खासा आप लोगों को मिल जाता है, ठीक है। कितना बोले? 44,000 में आ रही है, ठीक है। इसके बाद फिर से आता है हीरो का, कौन सा क्या है? हीरो का ग्लैमर 2018 मॉडल, आस्किंग प्राइस है 46,000 2018 मॉडल। इसके बाद फिर से डिलक्स है ना, ये सोल्ड हो गया क्या? हाँ, सोल्ड हो गया, सोल्ड हो गया, ये आज का ये डिलीवरी हम लोग का, आज ही डिलीवरी गाड़ी का, सोल्ड हो गया। हाँ, चलिए सही है। इसके बाद फिर ये कौन सा? 2016 का स्प्लेंडर प्लस स्टार्ट गाड़ी, फर्स्ट ओनर, ये भी गाड़ी ये अभी भी सेल्फ 2016 में सेल्फ स्टार्ट आ गया था ना। आस्किंग प्राइस 42,000 में आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद फिर से बीटी भी 2016 का एक्टिवा 3G, सब फुल जितना दाग वोग देख रहे हैं हम लोग सब ठीक करा के देंगे। आस्किंग प्राइस 38,000 में आ जाएगी, ठीक है। डिस्कवर 2011 एडिशन ना, 150 है ना, सेकंड ओनर गाड़ी है, गाड़ी में थोड़ा बहुत काम हम लोग करके देंगे, जो आपका गाड़ी में काम रहता है वो बता देते हैं ना कि गाड़ी में इतना इतना काम है। 20,000 में आ जाएगी, मतलब दाम के हिसाब से देखा जाए तो गाड़ी बहुत सही है। इसके बाद सिविस है 2014 एडिशन, जो 2014 का एडिशन है ना, फर्स्ट ओनर गाड़ी, गाड़ी देख सकते हैं, फॉलो सब पेपर अप टू डेट, आस्किंग प्राइस 35,000 में आ जाएगी। इसके बाद अपाची फोर बी आर टी आर फोर बी फर्स्ट ओनर, RPF का गाड़ी है, पुलिस का गाड़ी है, ज़्यादा चली भी नहीं है, नॉन ABS गाड़ी है, आस्किंग प्राइस 62,000, 2019 एडिशन, 5 साल इंश्योरेंस, मतलब 62,000 में आ जाएगा। इसके बाद फिर से आते स्प्लेंडर, स्प्लेंडर प्लस, आस्किंग प्राइस है 35,000, 2013 का मॉडल है, 2013 का मॉडल, आस्किंग प्राइस 35,000, आस्किंग प्राइस 35,000 है, कुछ नेगोशिएट तो हो ही जाएगा, हो ही जाएगा थोड़ा, ठीक है। इसके बाद फिर से बिटू भी आती है एम, माइलेज पर्पस जिसको माइलेज किंग बोला जाता है, इसका भी एवरेज मोटामोटी 60+ मिलेगा, इसका आस्किंग प्राइस है 26,000 में आ जाएगा। इसके बाद बिट्टू भी काम चेंज करके मतलब चेंज करके देंगे, अच्छा पूरा चेंज करके देंगे, ये जितना टूटा फूटा देख रही थे तो आपको चेंज करके फ्रेश करके देंगे। अच्छा, 2015 का मॉडल है, FI ग्लैमर है, सब पेपर अप टू डेट है, फर्स्ट ओनर, इसका आस्किंग प्राइस है 36,000 में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर से आते हैं पल्सर 150, नया वाला मॉडल 2020 का, इसका भी मीटर दिखा सकते हैं, लगभग 19,000 के लगभग चली हुई है, 19,000 के लगभग चली हुई है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, चली हुई है, इसका भी दाम 56,000 रुपये, 56,000 में आ जाएगी। इसके बाद अपाची, इसके बाद बीटू भी आते हैं अपाची 160 2B, ये ओरिजिनल 18,000 चली हुई है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, गाड़ी का कंडीशन देख सकते हैं, टायर वर्क बिल्कुल चमक रही है गाड़ी, एकदम आईना है गाड़ी, कांच गाड़ी बोलते हैं, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, इसका आस्किंग प्राइस 55,000 में आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद NS, अच्छा NS मेरा वाला है, तो भाई लोग जहाँ तक डील था बाइक पॉइंट पे मैंने सारा सब कुछ आप लोगों को दिखा दिया और बता भी दिया, नेगोशिएट भी अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है। और कुछ भी दिक्कत होता है BTV का नंबर स्क्रीन पे चल ही रहा है हर बार का, तो आप लोग आके बिल्कुल कॉल कर सकते हो, और लोकेशन उंसाग्राम में है ना, उंसाग्राम हीरो शोरूम के अपोजिट में पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप उसके बगल से गली है, गली के अंदर आना, कुछ भी दिक्कत होता है आप लोग BTV कॉल करके पूछ लेना, ठीक है। तो जहाँ तक डील था आप लोगों ने दिखा दिया, अगर डील अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस तरह डील आप लोग आगे भी मिलते रहेगा, ठीक है। तो मिलते किसी नेक्स्ट डील सर, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।